नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभिनंदन। मैं डॉक्टर लता बिश्रोवर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बैचलर रेमेडी की अगली मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एल्म। एल्म एक ऐसी दवाई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ अंडर पॉवर्टी एक पेशेंट को। और अगर आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी इंसान है जिसको ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है और वो अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता है, तो आप बेझिझक उसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मेरे से बात करवाइए या फिर उसे मुझे रिकमेंड कर दीजिए और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट डेली का मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात का और इस चीज का फायदा उठा पाए, है ना, उपयोग कर पाए इस चीज का। और हम जो बात कर रहे थे वो बैचलर रेमेडी की अगली मेडिसिन थी जिसका नाम है एल्म, ELM, एल्म। ओके, एल्म एक ऐसी दवाई है जो कि अच्छा खासा एक व्यक्ति होता है ना, उसको अचानक से वीकनेस आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम एल्म दे सकते हैं। बहुत अच्छी और बेहतरीन दवाई है। जैसे कि हमने बहुत रैंडमली नाम सुना ना जेल्स का, जेलसीमियम हम देते हैं, जेलसीमियम 30, जब किसी भी इंसान को वीकनेस फील होती है ना, तो जो इंटरनली वीकनेस हो रही है विदाउट एनी रीजन, हमें नहीं पता, अचानक से वो जो वीकनेस है वो आ जाती है, तो ऐसे लोगों को हम एल्म दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हों और अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर या फिर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उनके अंदर कोई होप ही नहीं हो, है ना, तो ऐसे लोगों को हम जो एल्म है वो दे सकते हैं। बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, टायर्ड और ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज काइंड ऑफ, इस तरीके के कीनोट्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप ये जो दवाई है वो आंख बंद करके दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो दवाई है वो हम पेट को भी दे सकते हैं, पेट्स को इस कंडीशन में दे सकते हैं जब ना मौसम चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम ना कुछ पेट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब टायर्ड और बहुत ज्यादा स्लीपी कंडीशन में होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लेथार्जिक काइंड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, मैं पहले भी मैंने बहुत ऐसे इस तरीके की जो मेडिसिन है जैसे कि लेथार्जिक पेट वाली, उस तरी आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना है इसमें। जैसे कि हमने पहले बात करी थी क्लिमेटिस की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं था कि कुछ एनिमल जो बहुत ऑल द टाइम स्लीपी काइंड ऑफ होते हैं, है ना, या अभी हम बात कर रहे हैं कि मौसम चेंज होने में जो टायर्डनेस आ जाती है पेट्स के अंदर और वो बहुत ज्यादा स्लीपी और लेथार्जिक काइंड ऑफ हो जाते हैं, तो ये जो माइन्यूट चेंजेस है, माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ये कीनोट्स जो है, रेड लाइन सिम्टम्स आप कह सकते हैं इनको, तो ये चेंजेस आपने देख के उसके बाद ही ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी है एल्म जो है। ठीक है, तो एल्म आप बेझिझक दीजिए, आराम से दिल खोल के दीजिए। मैंने आपको कीनोट्स बताए कि किस किस तरीके के सिम्टम्स आपको एल्म के पेशेंट में मिलेंगे, तो ये आप दवाई दीजिए। और अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर आपको आती है प्रिस्क्राइब करने में दवाई बैचलर रेमेडीज की, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेडिसिन पहुंचाइए, ये दवाई का नाम पहुंचाइए, मेरा मैसेज पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज बताइए कि क्या बैचलर रेमेडी है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम होम्योपैथ्स हैं जो बैचलर रेमेडी को जानते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और भूलिएगा मत मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जल्दी अगली वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।